तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप स्पाइस मनी में कैसे बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, और अगर आपका बैंक अकाउंट पहले से ही ऐड है तो कैसे आप उसको फिर से और एक बैंक अकाउंट जो है ऐड कर सकते हैं। स्पाइस मनी में आप टोटल 5 बैंक अकाउंट को एक साथ ऐड करके रख सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे आप ऐड कर सकते हैं 5 बैंक। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप स्पाइस मनी का जो ऐप है उसको यहाँ पर लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा AEPS सेटलमेंट, यहाँ पर देख सकते हैं ए वाला AEPS सेटलमेंट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, और यहाँ पर कुछ देर लोडिंग लेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर नीचे आपको एक और बैंक अकाउंट यहाँ पर दिखाया जाएगा, जो आप आईडी लेते वक्त डिस्ट्रीब्यूटर को जो बैंक अकाउंट आप दिए थे वही बैंक अकाउंट यहाँ पर शो करेगा। तो नीचे यहाँ पर देख सकते हैं पहले से ही आपका एक बैंक अकाउंट शो होगा। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं या और एक बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है चेंज, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और आज तक जितने भी आपने बैंक अकाउंट ऐड किया है सारा बैंक अकाउंट यहाँ पर शो होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक ही बैंक अकाउंट ऐड किया था, पेटीएम पेमेंट बैंक। तो मैं और भी एक बैंक अकाउंट ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे ऑप्शन आ रहा है ऐड बैंक अकाउंट, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऐड करके दिखाने वाला हूँ। आपका जो भी बैंक है उस बैंक को यहाँ पर सेलेक्ट करके वहाँ पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड एंटर कर दीजिए, जो कि आपका पासबुक में प्रिंटेड है। अकाउंट नंबर और IFSC कोड एंटर करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है ऐड बैंक अकाउंट, सिंपली आपको इसमें क्लिक करना है। और यहां पर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा, तो देख सकते हैं OTP ऑटोमेटिक वेरीफाई हो चुका है। अब यहां पर आपने जो बैंक अकाउंट अपलोड यहां पर डिटेल्स दिया जो बैंक अकाउंट का, उस बैंक अकाउंट का या तो आप कैंसिल चेक या तो फिर बैंक का जो पासबुक है उसका फोटो को यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर पहले इस एरो के बटन में क्लिक करके आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप चेकबुक स्टेट अपलोड कर रहे हैं या यहाँ पर कैंसिल चेक अपलोड कर रहे हैं या बैंक का पासबुक अपलोड कर रहे हैं या फिर मिनी स्टेटमेंट, तीन चीज आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बैंक का पासबुक को अपलोड कर देता हूँ, तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रहा है अपलोड प्रूफ, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है और कैमरा से या तो फिर गैलरी से आप सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। तो फोटो को अपलोड करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है, इसे कुछ देर लोडिंग लेगा और यहाँ पर अकाउंट अंडर रिव्यू में चला जाएगा, यहाँ पर ओके कर दीजिए। उसके बाद इस बैंक अकाउंट को स्पाइस मनी का टीम वेरीफाई करेगा और आपके यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड कर देगा। जैसे ही यहाँ पर देख सकते हैं अप्रूवल पेंडिंग है, कुछ टाइम बाद आपका जो है सारा अगर आपने सही डालेंगे तो बैंक अकाउंट जो है यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। और अगर आप फिर से अगर ऐड करना चाहते हैं कोई और दूसरा बैंक तो सेम प्रोसेस से यहां से आप ऐड बैंक अकाउंट के ऑप्शंस में जा करके कर सकते हैं। और एक चीज यहां पर ध्यान रहे, आप जितने भी बैंक अकाउंट ऐड करना है कर लीजिए, और यहां पर ऑप्शन मिल रहा दिख रहा है कि प्राइमरी का मतलब है कि आप जिसमें भी प्राइमरी सेलेक्ट करेंगे उसी बैंक अकाउंट में AEPS सेटलमेंट होगा, AEPS का जो बैलेंस है उसी बैंक अकाउंट में सेटलमेंट होगा। अगर आप मेरा देख सकते हैं यहां पर पेटीएम पेमेंट बैंक को मैंने प्राइमरी करके रखा है। अगर आपको AEPS का सेटलमेंट पैसा दूसरे बैंक अकाउंट में चाहिए तो उसी बैंक अकाउंट में यहां पर क्लिक करना है और आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहां पर मेक ए प्राइमरी, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो है प्राइमरी अकाउंट हो जाएगा। प्राइमरी मतलब आपका AEPS का पैसा उसी बैंक अकाउंट में जाएगा। बट अभी मैं आपको करके नहीं दिखा सकता क्योंकि यहां पर AEPS बैंक अकाउंट जो है अंडर पेंडिंग में है। जैसे ही अप्रूवल मिल जाता है तो आप यहां पर से कर सकते हैं। तो इस
इसी तरीके से आप बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, पांचों बैंक अकाउंट, और जो भी आपने EPS में सेटलमेंट चाहते हैं उस बैंक अकाउंट को प्राइमरी में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यही प्रोसेस था बैंक अकाउंट ऐड करने का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने तरफ से एक लाइक कर दीजिए और इसी तरह का वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप स्पाइस मनी का ID लेना चाहते हैं तो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कीजिए, नंबर मेरा यहाँ पर शो हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले किसी इंटरेस्टिंग दमदार टॉपिक के साथ।